अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। और दोपहर को हम लोग गए थे ये कुछ बर्ड्स देखने के लिए। और ये देखिए इतने प्यारे बर्ड्स हैं, सच में देख के इतना मज़ा आया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इनकी चूँ चाँ 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 बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वाइट वाला तो कमाल का ही था, और जिसके ऊपर ये गोल्डन सा बना हुआ ये भी बहुत अच्छा। और मुझे जो होते ना ग्रीन वाले पैरेट वो चाहिए थे, वो उनके पास एक ही था। और मुझे वो वाला लेना था जिस जो बातें करता हो, तो वो एक ही था, वो भी तो मुझे शौक़ इस तरह से चढ़ा था। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले भी मेरे पास बचपन में था इस तरह का पैरेट। तो ये मेरे हस्बैंड ने अपनी शॉप पे कोई आया था, तो वहाँ से उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी थी, तो वहाँ से मैंने देख के उन्हें कहा कि मुझे भी लेना है। तो ये देखे कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये हमने फिर उस शॉप पर जब गए तो वहाँ पता किया, तो वो एक जो सा पता नहीं उसका कह रहा था जो बोलने वाला पैरेट है ना, उसकी प्राइस वो 12,000 बता रहा था। तो फिर हमने नहीं लिया, तो मेरे हस्बैंड कह रहे मैं आपको ना ले दूँगा। उसके बाद फिर आके मैं बना रही थी खाना। खाने में आज मैंने बनाई थी कढ़ी, और कढ़ी आज मैंने बनाई थी एक नए स्टाइल से। और मैंने इसमें दही लिया, दही के साथ मैंने थोड़ा सा 1 कप लिया था बेसन, और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। उसी में मैंने रेड मिर्चें और हल्दी और नमक डाल दिया था। और उसके बाद मैंने उसको लगाया था तड़का। तड़का मैंने लगाया था ज़ीरे का तड़का लगा के, उसके बाद फिर मैंने जो उसका बैटर तैयार किया था ना बेसन वाला, वो उसमें डाल दिया। और साथ मैंने पकौड़े भी बना लिए थे। ये पकौड़ों का मिक्सचर थोड़ा सा ना आपको ग्रीन ग्रीन सा लग रहा होगा, इसमें मैंने ना पालक डाली थी ज़्यादा, तो बेसन बिल्कुल कम सा डाला था, तो वो भी मैंने साथ ही बना के रख लिया था। तो उसके बाद फिर मेरे कुछ जो मसाले मैं लेके आई थी वो ख़त्म हो रखे थे, तो फिर मैं उसे रिफ़िल कर रही थी बॉक्स में। और ये बॉक्स भी काफ़ी गंदा हो रहा था, फिर मैंने इसको धोया और सारा निकाला। और मैं जो लेके आई थी ना ज़ीरा, तो उसको मैं इस तरह वॉश कर लेती हूँ। इसमें ना बहुत ज़्यादा, जितना भी अच्छा क्वालिटी का ले लो, किसी ब्रांड का भी ले लो, तब भी ना इसमें डस्ट होती है। तो मेरी मम्मा भी इसी तरह धो के तो इसको फिर ड्राई कर लेती, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब धुल जाएंगे ना तो इसके ऊपर ऊपर ज़ीरा सारा आ जाएगा, तो जल्दी से वो निकाल लेंगे, जो मिट्टी और कैंकर होंगे ना वो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो मैं इसी तरह इसको निकाल के तो वो रख लूँगी टोकरी में। और ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी और छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक स्टोन थे इसमें, तो वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के तो इस तरह साफ़ कर लिया मैंने। फिर इसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया। तो उसके बाद फिर मैं बना रही थी सैलेड, फ्रूट सैलेड। इसमें मैंने बीन्स भी डाले थे, रेड बीन्स डाले थे, और मैंने डाले थे इसमें चने भी। और ऐसे फ्रूट जो है ना वो खाया जाता है, ऐसे कामों में सारा दिन बिजी रहते हैं तो इसलिए ना ऐसे फ्रूट नहीं खाया था। तो फिर मैं एक लेके आई थी इमली वाली सॉस, ये सच में बहुत ज़्यादा हैंडी थी। और ये कि कभी नहीं भी होती ना घर में बनाई इमली की सॉस, तो ये इससे बंदे का काम चल जाता है। और फिर मैंने इसको डाल के इस तरह मिक्स किया, जो पहले जिस बॉल में मैंने काटा था वो बिल्कुल छोटा था। फिर इसको मैंने इस तरह से गार्निश कर लिया, क्योंकि सबसे पहले आंखें खाती हैं फिर बाद में पेट में मर जाता है। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर, अगर आपके पास नीमको होती ना स्प्रिंकल वाली, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने फिर पकोड़े भी निकाल लिए। अब जिस पकोड़े जिसमें मैंने ऑयल में पकोड़े निकाले थे ना, उसी में मैं थोड़ी सी रेड मिर्चें डाल के तो इसको लगाऊँगी तड़का। थोड़ा सा उसका ऑयल का जो कलर है ना वो रेड रेड सा अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसकी जो शड़ शड़ छूण छूण है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है आपको एक खाने में ना। और ये वाली जो कढ़ी की मैंने रेसिपी बनाई थी ना, ये उससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और इजी भी थी।
और ये है कि भाई एक दफ़ा बस बना के तो रख देते हो। और जब मैं वॉइस ओवर करने लगी, कभी गली में से बाइक गुजर के जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कभी किसी चीज़ की। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला था थोड़ा सा धनिया, और मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें, और एक सब्ज़ मिर्च तो कढ़ी के अंदर ही डूब गई। फिर मैंने एक और डाल दी। तो अगर किसी को सब्ज़ मिर्चें कम लगे तो फिर वो ये होता है कि इससे एडजस्ट हो जाती हैं। और ये मैंने साथ में डाली थी अपने हमसायों को देने के लिए, तो उनको भी मैं दूंगी। ये कढ़ी ऐसी होती है कि ये मतलब थोड़ी ज़्यादा बना ले तो ऐसे दी जाती है। और उसके बाद ही मैं बना रही थी रोटी। रोटी अब आज इस टाइम गैस थी तो इससे ना बहुत अच्छी रोटी फूल फूल के बनी थी। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।